अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं सैफ काजमी और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन बुखारी। ईस्ट पाकिस्तान फ्रेटरीसाइड एपिसोड 17 में मैं खुश आमदेद कहता हूं आपको। हमने हमेशा से एक बात सुनी जो कि जनरल अयूब खान की डॉक्ट्रिन थी कि किसी ने भी ईस्ट पाकिस्तान की तरफ मैली नज़र से देखा तो वेस्ट पाकिस्तान उसका मुँह तोड़ देगी या उसके दाँत खट्टे कर देगी। लेकिन 71 की जंग में क्या ऐसा हुआ? क्या वेस्ट पाकिस्तान ने ऐसा ही दिफा किया ईस्ट पाकिस्तान का? पूछते हैं डॉक्टर हसन बुखारी से कि वेस्ट पाकिस्तान में जंग के क्या हालात थे। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है। ऑफकोर्स मैंने जब नया इस टॉपिक पर बहुत साल पहले की बात है पढ़ना शुरू किया था तो ये एक मिस्ट्री होती थी मेरे लिए, क्योंकि किताबों में कुछ लिखा ही नहीं होता था, सारा फोकस ईस्ट पाकिस्तान पर। ये डॉक्ट्रिन तो मैंने हर जगह पढ़ी कि जी मगरबी पाकिस्तान से दिफा होगा, लेकिन 71 की जंग की जब बात आती थी सारा फोकस हिस्टोरियन का ईस्ट पाकिस्तान पे होता, वेस्ट पाकिस्तान की खो ही जाता था, पता ही नहीं चलता था क्या हुआ। तो जब पता चला तो फिर कुछ कुछ वजह भी समझ में आ गई कि वेस्ट पाकिस्तान पर कोई दिफा की कोशिश या कोई सीरियस जंग हुई होती तो कोई लिखता उसके बारे में, और इट्स अ वेरी सैड टेल। सबसे पहले तो आते हैं प्लान की तरफ। मेजर फोर्स पाकिस्तान की वेस्ट पाकिस्तान में थी, ईस्ट पाकिस्तान में 3 डिवीजन थे, उनमें से भी 2 इनकम्प्लीट थे, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में फोर्स ज़्यादा थे। इंडिया से तादाद में फिर भी 1.5 गुना कम थे, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान की नस्बत मेन ऑफेंसिव पॉइंट सारे टैंक सारी एयरफोर्स इधर ही सेंटर थी। अब जो प्लान था वो ये था कि नॉर्थ में कश्मीर वाली साइड पर और नॉर्थ पंजाब वाली साइड पर सियालकोट सेक्टर की तरफ हम इंडिया के खिलाफ लोकल ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे, जिसकी वजह से इंडिया को अपनी कश्मीर की सप्लाई लाइनें थ्रेटन फील होंगी। कश्मीर की जो सप्लाई लाइंस हैं, इवन मेजर सप्लाई लाइंस, वो टोटल 20-30 किलोमीटर हैं लाइन ऑफ कंट्रोल से कई जगह, और वर्किंग बाउंड्री से भी कई जगह। जम्मू साइड पर, पुंछ साइड पर अटैक लॉन्च किए जा सकते हैं, जिससे इंडिया इनसिक्योर होगा। और इंडिया अपने जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व हैं, जिसमें इंडिया का 1st आर्मर डिवीजन था और 2-3 इन्फेंट्री डिवीजन्स थे, उनको इंडिया कमिट करेगा नॉर्थ में। अब जब इंडिया नॉर्थ में कमेंट करेगा ना, पाकिस्तान की जो स्ट्राइक फोर्सेस की कमांड जनरल टिका कर रहे थे वो थी 2 कोर मुल्तान में, वो दरियाए सुतलज के जुनूबी तरफ से अटैक करके ना एक पूरा एक आर्क बनाएगी, एक बड़ा मैसिव ऑफेंसिव करके ना सारी इंडियन फौज को दरियाए सुतलज के पाकिस्तान वाली तरफ वेस्टर्न तरफ ट्रैप कर लेगी। अब ये समझिए कि इधर नॉर्थ में कश्मीर की तरफ अटैक हुआ है तो इंडियन आर्मी जो है वो कश्मीर की साइड पर ज़्यादा अपने रिजर्व्स कमिट करेगी, और पीछे से पाकिस्तान की 2 कोर जनरल टिका की कमान में अटैक करते हुए इंडिया की सप्लाई लाइनें और रेयर को तबाह करते हुए इंडियन फौज को एक शिकस्त से दोचार कर देगी। और इवन उस सिलसिले में फिर इंडिया की कश्मीर में पोजीशन भी खतरे में पड़ सकती थी। इंडियन पंजाब का एक बड़ा वसी इलाका पाकिस्तान के कब्जे में चला आता, जिसके बारे में ये ख्याल था कि जी ये एक्सचेंज कर लिया जाएगा ईस्ट पाकिस्तान से। अब लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिस में तो बहुत फ़र्क है। जब अटैक्स लॉन्च किए गए, अब इंडिया की फ़ौज भी ज़्यादा थी हर जगह, इंडिया ने ख़ुद भी काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया, और नतीजा ये हुआ कि इंडिया ने कुछ रिजर्व ज़रूर कमिट किए। हसन ज़हीर लिखते हैं कि इंडिया ने पहले दिनों में कुछ रिजर्व्स कमिट किए नॉर्थ में, लेकिन पाकिस्तान को भी करने पड़े। और पाकिस्तान का भी जो 33rd डिवीजन था, 33rd इन्फेंट्री डिवीजन, उसको 2 हिस्सों में बांटकर नॉर्थ और साउथ में कुमक के तौर पर भेजा गया कि वहाँ सिचुएशन क्रिटिकल हो रही थी। और इंडिया का 1st आर्मर डिवीजन तो कमिट हुआ ही नहीं, जैसे कि पाकिस्तान का आर्मर डिवीजन ने भी, 1st आर्मर डिवीजन ने कोई जंग में हिस्सा नहीं लिया। और जनरल टिका खान बार बार हाई कमांड से दरख्वास्त करते रहे कि उन्हें अटैक करने की इजाज़त दी जाए, जो हमने एक अटैक किया, एटलीस्ट ट्राई तो करते हैं, लेकिन उनको इजाज़त ना दी गई। फाइनली बार बार उनका ऑफेंसिव पोस्टपोन किया गया, आखिरी दफ़ा 16 दिसंबर की डेट को भी ऑफेंसिव की बात की गई, फिर उनको रोक लिया गया। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्राइक फॉर्मेशन ने जंग में हिस्सा ही नहीं लिया, बेसिकली हमने पहले ही ये राइट ऑफ कर दिया एक लिहाज से कि ठीक है जी जंग तो हार गए हैं। और सारा जो है याया खान साहब का तो मेन जोर ये था कि शायद को अमेरिका बचा लिया, कोई बचा लिया, अपने जोरे बाजू पर इंसार नहीं किया गया। स्ट्रेटजी भी फ्लॉट थी, आप कम फोर्स के साथ इतना प्रेशर कैसे जनरेट करेंगे कि इंडिया सारे ही रिजर्व्स एक पिट में झोंक दे, जहाँ उनको फिर उसके बाद घेरे में लिया जा सके जनरल टिका के अटैक के तहत। ऑफकोर्स इंडिया को भी तो पता था कि पाकिस्तान की एक कोर अभियान कमेटी, थ्योरी रहेगी ना, तो वो अटैक तो किया ही नहीं गया। फिर इंटरेस्टिंगली और भी काफ़ी सारे बंगल अप हुए, जैसे कि जनूब में राजस्थान पर अटैक किया गया 18th इन्फेंट्री डिवीजन के जरिए। अब उस रीजन में इंडिया के 2 डिवीजन थे, पाकिस्तान का एक था, लेकिन पाकिस्तानियों ने कहा कि हम अटैक करेंगे। अब मज़े की बात यह है कि एयर कवर कोई नहीं था,
सहरा में एयर कवर कोई नहीं है, सारे टैंकों को इंडिया के 2 या 3 हंटर तैयारों ने बार बार सॉर्टीज मार के 20-25 टैंक तबाह कर दिए और ये अटैक बहुत बुरी तरह फेल हो गया और बेनैलो मराम पाकिस्तानी वापस आ गए। फिर जब इंडिया ने अटैक किया तो पाकिस्तानियों को खदशा हो गया कि साउथ में कि कहीं कराची को पाकिस्तान से काट ना दिया जाए, तो उसके लिए स्ट्राइक कोर से ब्रिगेड मंगवाना पड़ा दिफा के लिए। और इतनी पुअर प्लानिंग कि एयर चीफ को पता ही नहीं था ये अटैक हो रहा है। एयर चीफ ने पहले ये बात कही थी कई महीने पहले, उन्होंने कहा था अगर आपने ये अटैक करना ना तो एयर सपोर्ट के बगैर ये अटैक फुली तरह फेल हो जाएगा, तो हमें जैकबाबाद वाली एयरबेस को ऑपरेशनल करना पड़ेगा, उधर हमारी कोई एयरबेस नहीं है कि हम एयर कवर दे सकें। जैकबाबाद एयरबेस को ऑपरेशनल करने में बहुत खर्चा टाइम लगेगा, उसमें आप हमें प्रायर नोटिस देंगे, वो दिया नहीं गया तो कोई एयर कवर नहीं था, वो अटैक भी फेल हो गया। इंटरेस्टिंगली कश्मीर वाली साइड पे लेकिन पाकिस्तान के एक जनरल इफ्तखार की क्यादत में अटैक कामयाब रहा, पाकिस्तान ने 6 फतह भी कर ली है, पाकिस्तान की शायद वाहिद विक्ट्री कही जा सकती है 1971 की वॉर में, और बड़ा उधर पाकिस्तानी फौज ने जुर्रत का सबूत दिया। और वाहिद जगह जिधर सीरियस लड़ाई पाकिस्तानियों ने स्पिरिट शो किया वो 6 में था, लेकिन जनरल इफ्तखार फिर इंटरेस्टिंगली शहीद हो गए उसमें जंग के दौरान, 9वीं 10वीं दिसंबर को हेलीकॉप्टर उनका गिर गया और उसके बाद फिर वो अटैक भी पीटर आउट कर गया। और इंटरेस्टिंगली वेस्टर्न फ्रंट पे पाकिस्तान की हाफ कैजुअल्टी सिर्फ उधर हुई है, अच्छा सिर्फ छम वाली लड़ाई में, जिससे जाहिर होता है कि उधर पाकिस्तानियों ने किस तरह स्पिरिट के साथ लड़ाई की। बाकी इंडिया ने शकरगढ़ में अटैक कर दिया 5 दिसंबर को, और पाकिस्तानी जो जनरल इरशाद थे उधर, उन्होंने इंतहाई इनकॉम्पिटेंस का सबूत दिया, लेकिन इंडियंस ने भी काफ़ी इनकॉम्पिटेंस का सबूत दिया, तो मामला कुछ ड्रा ही रहा। इंडिया ने इलाका को ऑलमोस्ट 400 मुरबा किलोमीटर शकरगढ़ सेक्टर में पाकिस्तान को पीछे हटा लिया, लेकिन कोई ऐसा स्ट्रेटिजिकली यानी कि कोई ब्रेक थ्रू उनको नहीं मिल सका। इस तरह इंडिया ने डेजर्ट में भी पाकिस्तान से तकरीबन 5,000 मुरबा किलोमीटर एरिया छीन लिया। पाकिस्तान ने छम में कुछ गेंस किए और मामूली गेंस पुंछ सेक्टर में और सुलेमान की सेक्टर में, जिधर शब्बीर शरीफ को निशाने हैदर भी मिला, उधर पाकिस्तानियों ने कुछ गेंस किए, लेकिन ओवरऑल इंडिया ने ऑलमोस्ट 5,500 मुरबा किलोमीटर पाकिस्तान से इलाका छीन लिया, क्योंकि मेजॉरिटी उसमें यूजलेस डेजर्ट ही था, स्ट्रेटिजिकली किसी साइड को कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला। और जो पाकिस्तान का ट्रंप कार्ड थी चीज़ कि हम ये ऑफेंसिव करेंगे, जो मेन जिसके लिए वेस्ट में ऑफेंसिव लॉन्च किया गया था कि ये मूव करेंगे जनरल टिका खान की कोर के जरिए इंडिया को एक बड़ी थ्रेट देंगे, वो तो अटैक किया ही नहीं गया। एंड दैट शोज कि किस तरह कन्फ्यूजन, नॉन सीरियसनेस और इवन फोर्सेस के दरमियान इनकोऑर्डिनेशन जो नज़र आया डेजर्ट वाले अटैक में, मतलब हर तरफ इनकॉम्पिटेंस और इनडिसीजन का दौर दौरा था। और लड़ाई तो पाकिस्तानियों ने तो छम के अलावा कहीं कोई खास ऐसी की भी नहीं, बहुत जल्दी बस उन्होंने सब कुछ पैकअप शॉप कर दी, यानी कि वो जैसे कि मैंशनड है कि जब चाइनीज मिल्ट्री अटैची ने देखे ना मैप, 5-6 दिन हुए थे जंग शुरू हुए, तो उनका जंग तो ख़त्म हो गई है, बस स्टेलमेट हो गया है इधर, आप लोग तो अभी कुछ नहीं करेंगे ना, इंडिया कुछ करेगा, इट इज़ अ ड्रॉ, इट्स ओवर। तो पाकिस्तान ने वो डिसाइसिव अटैक किया ही नहीं जिसने ईस्ट पाकिस्तान का दिफा, मतलब कोई कोई दिफा के लिए कोई चीज ऐसी की, हाँ वो की नहीं। पाकिस्तान ने पहले ही कहा बस ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान को खतरे में नहीं डाल सकते, ईस्ट पाकिस्तान जा चुका है बस। एक अहम सवाल, क्योंकि जंग के अंदर ये वाहिद शोबा होता है जो बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा पहुंचाता है अपनी बर्री फौज को, और वो है पाक फजाइया, इसके रोल के ऊपर कुछ बात करें हमें। अच्छा, पाक फिजाइया वाहिद, वो कहते ना कि एक फेलियर और शिकस्त की दास्तान में थोड़ा सा एक ब्राइट स्पॉट नज़र आता है। अब पाक फिजाइया बहुत कम थी, पिछले एपिसोड में भी हमने मेंशन किया था 290 तैयार है इंडिया के, 640 तैयार है, फिर इंडिया के जो एडवांस्ड एयरक्राफ्ट थे अच्छी क्वालिटी के वो 240 थे और पाकिस्तान के पास टोटल 30 थे। इन सारे चीज़ों के बाद एक और कदगन भी थी फिजाइया पर, वो ये था कि आपका मेन जो फोकस होगा ना, जो हाई कमांड ने उन्हें रोल दिया था, वो ये था कि जब टिका खान ऑफेंसिव करेंगे ना तब उनको फुल एयर सपोर्ट मिलनी चाहिए, तो पाक फिजाइया को अपनी स्ट्रेंथ कंजर्व करनी है उस वक्त तक जब तक टिका खान ऑफेंसिव नहीं करते, ताकि टिका खान को मुकम्मल एयर सुपीरियॉरिटी हासिल हो, क्योंकि वो की अटैक होगा, वो तो अटैक हुआ ही नहीं। तो पाक फिजाइया की सॉर्टीज भी जितनी ज़्यादा हो सकती थी वो कम हुई, कई जगह पाक फिजाइया जहाँ इंडिया पर अटैक कर सकती थी खासतौर पर इंडियन सप्लाई लाइंस पर, वो उन्होंने नहीं किए कि अभी क्या पता किसी दिन टिका खान के अटैक का ऑर्डर है और हमें उधर फोर्सेस कमिट करनी पड़े। इसके बावजूद इंडिया के 60 तैयारे तबाह हुए, पाकिस्तान के टोटल 27 हुए, और एट्रीशन रेशो इंडिया की भी 0.9 रही, पाकिस्तान की भी 0.9 रही, और ये बड़ा एक अचीवमेंट है गिवन द फैक्ट कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स डबल से भी ज़्यादा थी,
उसके बावजूद एट्रीशन रेट बराबर रखा, मतलब एक बराबर का मुकाबला किया। जैसे कैसर तुफैल साहब ने लिखा है कि एक इंडियन सोर्सेज ने भी लिखा है कि जब जंग खत्म हुई तो पाकिस्तान एयरफोर्स वॉज इन द रिंग एंड ऑन इट्स फीट, के मुकम्मल तौर पर वो उस वक्त भी इंटैक्ट थी, उसने अपने आप को इंडिया के मुकाबले में बराबर का जोड़ दिया। तो एक अच्छी परफॉर्मेंस दी, और ख़ास तौर पे ईस्ट पाकिस्तान में जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के जो वाहिद इकलौते स्क्वाड्रन ने मुकाबला किया, और पाकिस्तान के 5 त्यारे उधर तबाह हुए और इंडिया के 22 त्यारे तबाह हुए, और उन्होंने बहुत सख्त जाँफिशानी का सबूत दिया, और एक एक दिन में तीन तीन चार चार सॉर्टीज की उधर पायलट्स ने, और कहा जा रहा था कि पाक फिजाइया टोटल 24 घंटे से ज़्यादा ईस्ट पाकिस्तान में सर्वाइव नहीं कर सकी, लेकिन वो तीन दिन सर्वाइव करने में कामयाब रहे। तो अगेन हमारे जो फिजाइया की परफॉर्मेंस थी दैट वाज वो तो आउटक्लास कर दिया 1971, यानी कि ये कहा जाता है ना कि जी फिजाइया किधर थी, फिजाइया ने 1971 की वॉर में भी अच्छा परफॉर्म किया, जैसे कि 1965 की वॉर में भी हमने देखा था कि पाकिस्तान की तीनों आर्म फोर्सेज में बाय फार बेस्ट परफॉर्मेंस एयरफोर्स की रही थी, 71 की वॉर में भी बेस्ट परफॉर्मेंस एयरफोर्स की रही। डॉक्टर साहब एक इंतहाई अहम सवाल उठता है कि बड़ी अजीब सी लड़ाई हो रही थी दोनों तरफ, लगता है कि कुछ तादाद की वजह से इंडिया अंदर घुसा चला आ रहा था, सीज फायर कैसे हुआ, क्या ऐसे मुहरकात हुए? देखिए अब इंडिया का एक तो एम पूरा हो गया ना कि ईस्ट पाकिस्तान उन्होंने जब ले लिया, तो उसके बाद अब उनके सामने एक ऑप्शन ये भी था कि अब उनके ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया, वो ईस्ट पाकिस्तान वाली फ़ौज वेस्ट पर शिफ्ट करें और वेस्ट पाकिस्तान पर भी एक फैसला कुन हमले की कोशिश करें, लेकिन इंदिरा गांधी वाजंट कॉन्फिडेंट अबाउट इट, और उनका ख्याल था कि ये एक स्टेलमेंट में भी तब्दील हो सकता है, फिर इंटरनेशनल प्रेशर भी था, फिर उनका ख्याल था कि अगर हम जीत भी जाएँ तो हमें ऑक्यूपेशन करनी पड़ेगी वेस्ट पाकिस्तान के इलाकों की, और ईस्ट पाकिस्तान में तो उन्हें लोकल हमायत कुछ हासिल थी, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में तो मुकम्मल हॉस्टिलिटी का सामना होता, तो एक लंबी और कॉस्टली वॉर में वो नहीं पड़ना चाहते थे, और उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि किसी तरह अगर आज़ाद कश्मीर में ही इलाका फतह कर लिया जाए ना काफ़ी सारा, उधर पाकिस्तान को जख दी जा सकती है, लेकिन उस वक्त भी अमेरिकन ने काफ़ी प्रेशर डाला, और वो जो कहा जाता है ना वो सातवें बेड़े की मूवमेंट हुई जी जी। जो वो ईस्ट पाकिस्तान को बचाने के लिए नहीं थी, वो सिर्फ एक निक्सन का पावर प्ले था कि इंडिया को वेस्ट पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर में मूवमेंट से बाज रखा जाए, और अमरीका ने सोवियट्स पर भी इस सिलसिले में प्रेशर डाला, और सोवियट्स ने भी इंडिया को कहा कि आपका प्राइमरी एम अचीव हो गया तो नाउ यू शुड बैक ऑफ। तो फिर इंदिरा गांधी ने खुद ही 16 दिसंबर के बाद ऐलान किया कि हम सीज फायर के लिए राजी हैं, और याया खान जो बड़ी बड़के मार रहे थे 16 दिसंबर को कि ईस्ट पाकिस्तान में सरेंडर हो गया तो क्या हुआ, हम जंग जारी रखेंगे, उन्होंने इंतहाई भीगी बिल्ली की तरह वो सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया और जंग 17 दिसंबर को बंद हो गई। डॉक्टर साहब मुझे एक और बात बताएं कि हमारे दो बड़े उस वक्त के बैनुल अक्वामी दोस्त, एक चीन और दूसरा अमरीका, क्या पाकिस्तान की कोई मदद की उन्होंने किसी भी शोबे में? हाँ, चीन ने कुछ असला सप्लाई किया था और डिप्लोमेटिक सपोर्ट यूएन वगैरह के लेवल पर दी, चीन ने भी दी, अमेरिका ने भी दी, और अमेरिका ने असला वगैरह तो कोई ऐसा सप्लाई नहीं किया लेकिन एटलीस्ट डिप्लोमेटिक सपोर्ट दी, और अमेरिका ने एंड स्टेज में ना 10 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिए थे अपनी 7th फ्लीट को कि वो बे ऑफ बंगाल की तरफ मूव करे। उसमें एक तो वजह ये थी कि सोवियट्स भी मौजूद थे इंडियन ओशन में, दूसरा अमेरिका थोड़ी सी एक पावर स्टेटमेंट देना चाह रहा था, और बाद में हेनरी किसिंजर ने कहा कि हम चाह रहे थे कि इंडिया को वेस्ट पाकिस्तान पर हमले से बाज रखा जाए, तो उसका मकसद ये था। तो इस तरह कुछ ओब्लीक उन्होंने हेल्प की, को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की हेल्प किसी ने भी नहीं किया, जिस तरह इंडिया को रशिया ने हेल्प की उस तरह की कोई हेल्प नहीं। यूएन का क्या रोल रहा? हाँ, यूएन पर आता हूँ, अवन आप एक मिसाल ले लेना, उस जमाने में पाकिस्तान की ईरान से बहुत अच्छे ताल्लुक थे, शाह ऑफ ईरान गवर्नमेंट से, पाकिस्तान का एक पैक्ट था कि कराची का एयर डिफेंस ईरानियन एयरफोर्स कर लेगी इन केस ऑफ वॉर विद इंडिया, लेकिन शाह इस वादे से मुकर गए पाकिस्तान को जंग हारते देखकर, और उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं करेंगे। तो मतलब यानी कि जब आप हार रहे होते हैं ना तो फिर कोई दोस्त नहीं होता। आपने अगेन इस जंग में बार बार हम ये चीज़ देखते हैं, पाकिस्तान कभी यूएन पर रिलाय कर रहा है, कभी अमेरिका पर रिलाय कर रहा है, अपने ऊपर रिलाय कीजिए। इस जंग से अगर कोई सबक भी सीखना है, अगर कोई बेवकूफ़ ये बात सोचता है कि कल पाकिस्तान की सिक्योरिटी चाइना देगा या कोई और देगा, इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। अपने ऊपर रिलाय कीजिए, अपने जोरे बाजू से अपनी सिक्योरिटी कीजिए। जैसे कि इकबाल ने कहा, खरीदे नाम जिसको अपने लहू से, मुसलमान को है नंग वो बादशाही। तो आते हैं यूएन की तरफ, तो यूएन के लेवल पर बातें तो बड़ी हुई, लेकिन वो एग्जैक्टली यूएन में क्या होता था कि सिर्फ बैसी हुई, काम कोई नहीं हुआ, क्योंकि हर रेजोल्यूशन जो पाकिस्तान के हक में होता था उसको वीटो करने के लिए रूस मौजूद था, और रूस ने खुद एक रेजोल्यूशन अलबत्ता दिया 5 दिसंबर को,
वो इसलिए ऐसे इंटरेस्टिंग था कि वो रूस खुद दे रहा था तो रूस ने उसको वीटो भी नहीं करना था। वो ये था कि ईस्ट पाकिस्तान में पॉलिटिकल सोल्यूशन किया जाए और जहाँ जहाँ फौजें हैं वो वहीं रुक जाएं और इमीडिएट सीज फायर हो जाए। अब ये वो रेजोल्यूशन था जो कि पाकिस्तान के लिए इतना बुरा नहीं था, क्योंकि ये चीज़ तो नज़र आ रही थी कि पाकिस्तान जंग हार रहा है ईस्ट पाकिस्तान में। और इस रेजोल्यूशन से ये होता कि पोलिटिकल सेटलमेंट से ही मुराद थी कि अवामी लीग को मिल जाता, लेकिन एटलीस्ट सरेंडर ना होता और मुकम्मल हालात इतने खराब ना होते, मतलब जंग भी ना होती, पाकिस्तान को सरेंडर ना करना पड़ता, पाकिस्तान को एक मिलिट्री डिफीट ना होती, जंग पहले ही बंद हो जाती। लेकिन वो चीज पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं की उस वक्त। डॉक्टर साहब, ये कोई रेजोल्यूशन भी आया था जिसके बारे में बड़ी बात की जाती है, पोलैंड वाला? जी जी, पोलिश रेजोल्यूशन कहते हैं उसको, उसकी भी बहुत बात की जाती है, उस पर भी आता हूँ। तो पाकिस्तान ने ये रिफ्यूज कर दिया, फिर जो रेजोल्यूशन थोड़ा पाकिस्तान के ज्यादा हक में थे वो सारे, अब उनकी डिटेल इंटीग्रिटी में मैं नहीं जाता, शॉर्ट सिर्फ इतना कहूँगा, यूएस ने कुछ रेजोल्यूशन ऐसे स्पॉन्सर किए थे, उनको सोवियत यूनियन ने वीटो कर दिया। फिर उन्होंने कहा जी के पावर्स ने कहा कि जनरल असेंबली में भेज देते हैं। जनरल असेंबली में पाकिस्तान के हक में वोट आया बड़ी वाजे हमारे से, लेकिन जनरल असेंबली तो नॉन बाइंडिंग होती है, इंडिया को भी पता था। यूजलेस वैसों में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल टाइम जाया कर रही थी, रशिया हर चीज़ को वीटो कर रहा था। बेसिकली रशिया ने इंडिया को कहा हुआ था कि आप अपना काम जारी रखें, हम बांग्लादेश बनाने तक आपके साथ रहेंगे। अब ये चीज़ नज़र आनी शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान हार रहा है ईस्ट पाकिस्तान में, तो 14 दिसंबर को पोलैंड ने एक रेजोल्यूशन दिया। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये बात याद रखिए कि पोलैंड उस जमाने में एक कम्युनिस्ट मुल्क था और सोवियत यूनियन का एक हाशिया बरदार सेटेलाइट था। तो ये वो रेजोल्यूशन है जिसको ऑब्वियसली रशियन हमायत भी हासिल थी, और इसके बारे में बड़ी बातें आज तक की जाती हैं कि इस रेजोल्यूशन के तहत पाकिस्तान के कोई सरेंडर या मिलिट्री डिफीट से बचा जा सकता था, ऐसा कुछ नहीं था। ये 14 दिसंबर को तो ये रेजोल्यूशन आया, फिर इसको वापस ले लिया पोलैंड ने और दोबारा चेंज करके 15 दिसंबर को पेश किया। और आप ये चीज़ ज़हन में रखिए कि ये सारे सेशन न्यूयॉर्क में हो रहे हैं, तो न्यूयॉर्क को अगर शाम को सेशन हो रहा है ना नेशनल यूएन का, तो उधर ईस्ट पाकिस्तान में तो सुबह का टाइम है 16 दिसंबर को ऑलरेडी। तो उस वक्त तक तो पहले ही मानक शाह से सरेंडर वाली बात जनरल न्याजी की हो चुकी थी, परमिशन भी दे चुके थे याह्या खान की आप सरेंडर कर दें, उस वक्त तो गेम निकल चुकी थी। और पोलैंड के रेजोल्यूशन में भी अगर पाकिस्तान उसको मान भी लेता तो उस पर भी स्टॉलिंग टैक्टिक्स इंडिया यूज करके और भी डिले कर सकता था। और पोलैंड का रेजोल्यूशन को पाकिस्तान के कोई फायदे में भी नहीं था, जैसे कि एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने कहा कि अगर हम उसको मान लेते तो सरेंडर तो फिर भी हो जाता, उल्टा वो कहते कि आपने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि अवामी लीग लेजिटिमेट है, तो उस तरह फिर आप डिप्लोमेटिकली भी एक चीज़ एक्सेप्ट कर लेते और ऑन ग्राउंड आपका सरेंडर भी हो जाता। और उसमें तो कोई ऐसी बात यानी कि बाइंडिंग ये वाली चीज़ तो थी नहीं कि सरेंडर होगा नहीं, उसमें तो ये लिखा हुआ था कि फोर्सेस जो है वो सीज फायर हो जाएगा और उसके बाद रीग्रुपिंग वगैरह होगी। अगेन दूसरी तरफ ऑन ग्राउंड तो रियलिटी है कि उधर तो सरेंडर चल रहा है। तो भुट्टो साहब को हमने बड़ा क्रिटिकली उनका जायजा लिया है, लेकिन हमारी भुट्टो साहब से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। और अगेन यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि ये इल्ज़ाम उन पर गलत लगाया जाता है कि उन्होंने पोलैंड के रेजोल्यूशन को मैल इंडेंट से सबूताज किया। उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर कहा कि मेरे मुल्क के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं और आप लोग सिर्फ बातें बना रहे हैं और मैं जा रहा हूँ इधर से, और उन्होंने कुछ कागज़ पकड़े हुए थे और ड्रामेटिक अंदाज में फाड़ के उड़ा दिए। लेकिन अगेन वो बात उनकी एक लिहाज से तो सही थी, वो पोलिश रेजोल्यूशन में तो ऐसा कुछ भी नहीं था और उस वक्त तक तो गेम वैसे अप हो चुकी थी। तो ये एक अफसाना ही है, पोलिश रेजोल्यूशन में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे पाकिस्तान की कोई इज्जत भी इवन बच जाती। अगर फेस सेविंग वाला रेजोल्यूशन था ना, तो वो था जो 5 दिसंबर को सोवियत यूनियन ने दिया था, उस वक्त फिर भी पाकिस्तानी फोर्सेस फील्ड में मौजूद थी और उस वक्त तक जनरल न्याजी और याह्या खान के इतने हाथ पांव भी नहीं फूले थे। तो उसमें फिर ये चीज़ हो सकती थी कि उसी वक्त मान जाते तो सरेंडर एटलीस्ट ना होता, या फिर यह था कि या तो फिर सरेंडर के ऑर्डर ना दिए जाते ना, जनरल न्याजी कहते आप लड़ें आखिरी फौजी आखिरी गोली तक, फिर कोई बात होती कि पोलिश रेजोल्यूशन के तहत अगर कोई सीज फायर हो सकता। 71 की जंग का डॉक्टर साहब हमने दोनों वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान डिस्कस किया, मुझे एक एनालिसिस बताएं कि क्या कैजुअल्टी रेशो रहा, किसकी ज़्यादा था भाई, नुकसान किसका होगा? बेशक ईस्ट पाकिस्तान हमसे चला गया लेकिन नुकसान ज़्यादा किसका? कैजुअल्टीज़ की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की ऑलमोस्ट 9,000 कैजुअल्टीज़ रहीं, जिसमें 3,200 के करीब जो हैं वो शहीद थे। और इंडिया की कैजुअल्टी ऑलमोस्ट पाकिस्तान से 3 times रही, ऑलमोस्ट 30,000। लेकिन अगर हम कैजुअल्टीज़ में पाकिस्तान के वो 40,000 POWs भी डाल लें, अच्छा फिगर
कोट की जाती है ना कि 90,000 जी 90,000 की फिगर बड़ी फखरिया बताई जाती है। फखरिया बताने में क्या ज्यादा है, वो 90 लाख कह लें। बेसिकली इंडिया के पास जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर आए ईस्ट पाकिस्तान में वो तो जरूर 90,000 थे, लेकिन उसमें आर्मी मैन या सिक्योरिटी फोर्सेस के बंदे 45,000 या 40,000 के करीब ही थे। बाकी या तो बहुत सारे तो सिविलियन थे वैसे भी, या इवन बिहारीज भी थे कुछ, वो लोग जिनको मुक्ति बानी से बहुत डर था, या जो सिविल सर्वेंट्स थे या सिविल ऑफिसर्स थे, इवन लो रैंकिंग सिविल एम्प्लॉयज थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, और वेस्ट पाकिस्तान के बहुत सारे एम्प्लॉयज भेजे गए थे ईस्ट पाकिस्तान में, क्योंकि जब बगावत हो गई थी तो फिर ईस्ट पाकिस्तान में वो बंगालीज बहुत सारे अपनी जॉब्स छोड़ के भी चले गए थे, बहुत सारी जगहों पर वेस्ट पाकिस्तानी भेजने पड़े। तो उस तरह उन सब को मिलाकर टोटल फिगर 90,000 पर पहुंच गई थी, और बहुत सारे औरतें और बच्चे भी शामिल थे इसमें। तो जो फौज थी वो तो ऑलमोस्ट 40,000 करीब थी जिसने सरेंडर किया, लेकिन 9,000 में उसको ऐड करें ना तो पाकिस्तान का तो 50,000 फिर बन जाता ना, तो कैजुअल्टी भी फिर उस तरह इंडिया की कम हुई। या इवन 30,000 कैजुअल्टी भी हो तो इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी बहुत बड़ी फौज है। इंडिया की हैवी कैजुअल्टीज हुई खासतौर पर ईस्ट पाकिस्तान में, काफ़ी उनका बंदा मरा है, और ये चीज़ शो करती है कि वेस्ट पाकिस्तान में जहाँ पाकिस्तान की 70-80% फौज मौजूद थी, उधर की कैजुअल्टी बराबर है ईस्ट पाकिस्तान के, जो नंबर ऑफ शहीद है वो बराबर है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप ये देखें कि 20% फौज भी इतना जहाँ तोड़ के लड़ी है कि उसने उतनी कैजुअल्टी उठाई है जितना इधर नींद दिलाना कार्रवाई में, और वेस्ट पाकिस्तान में भी आधी कैजुअल्टी सिर्फ छंब की कैंपेन में जो एक डिवीजन कंडक्ट कर रहा था, तो बाकी तो यानी जंग हुई नहीं वेस्ट पाकिस्तान में कोई इतनी ज़्यादा। ईस्ट पाकिस्तान में बड़ी सख्त लड़ाई की पाक फौज ने, बड़ी जगह लास्ट डिच एफर्ट की और बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन उनकी सारी बहादुरी इन वेन गई, क्योंकि हमारी हाई कमांड ना सिर्फ नाहल थी बल्कि बुजदिल भी थी। और ये कमाल मतीनुद्दीन ने भी लिखा है, क्रिमिनल इनजस्टिस था अपनी फौज को इस तरह बेदस्तों पा छोड़ना। और मैंने ये बात पहले भी की है कि याह्या खान कई जगह क्रिमिनल नेग्लिजेंस, क्रिमिनल इनजस्टिस के मुर्तकिब हुए, और उन्होंने पाकिस्तान को हर तरीके से लेट डाउन किया एज एन आर्मी चीफ, एज अ पोलिटिकल लीडर। अब अगेन आप कहते ना जी के पोलिटिकल फेलियर था या मिल्ट्री फेलियर था, मैं तो कहता हूँ पोलिटिकली भी उस वक्त फिर फौज ही हेड कर रही थी ना, फेलियर तो हर लेवल पर था। ठीक है कि पॉलिटिकली याह्या खान ने अपनी फौज को एक अनविनेबल जगह पर डाल दिया और फंसा दिया और इंडिया के आगे छोड़ दिया, तो वहां पर वो जीत नहीं सकते थे, वो तो जनरल अरोड़ा ने भी ये बात मानी, लेकिन उन्होंने अच्छा मुकाबला किया, लेकिन इन फौजियों की कुर्बानियां इन वेन गई इंतहाई बुरी प्लानिंग की वजह से। और ये बात लिखी है कमाल मतीनुद्दीन ने भी कि अगर जनरल न्याजी अपनी फोर्सेस को कुछ बेहतर ऑर्गेनाइज या डिस्पोजिशन या डिप्लॉयमेंट्स ही बेहतर कर लेते, या इवन चिटागोंग हिल ट्रैक्स का जो इलाका था उसमें ज़्यादा अरसा जंग जारी रखी जा सकती थी अगर उधर थोड़ी ज़्यादा फोर्स डिप्लॉय कर दी जाती, क्योंकि वो एक तो पहाड़ है, उधर कन्वेंशनल मिलिट्री ऑपरेशंस रन करना मुश्किल है, दूसरा उधर की जो आबादी थी वो चकमा आबादी थी, और चकमा आबादी मुकम्मल तौर पर प्रो पाकिस्तान थी, वो बुद्धिस्ट थे लेकिन मुकम्मल तौर पर प्रो पाकिस्तान और एंटी अवामी लीग थे, तो उधर पाकिस्तान को लोकल सपोर्ट भी हासिल थी, तो कुछ लंबा अरसा जंग जारी रखते एटलीस्ट सरेंडर से बचा जा सकता था। तो वो चीज़ भी, लेकिन हमने नहीं की, बकौल शख्स से हमने हमारी हाई कमांड ने बेगैरती मल ली, एक रसवाई का तमगा सीने पर सजा लिया जो कि आज तक हमें हॉन्ट करता है। अनफॉर्चुनेटली हमने पूरी तरह से सही इस्बाक भी हासिल नहीं किए, तारीख तरीन बाब है हमारी हिस्ट्री का, एटलीस्ट ये सारी हिस्ट्री अब रिकाउंट करने का मकसद ये है कि एटलीस्ट हम उससे कुछ सबक सीख सके। अगेन हमें ये चीज़, लेकिन ये सबक जो मेन नज़र आता है ना वो ये है कि चूज़ योर लीडर्स केयरफुली। शब्बीर शरीफ और अकरम शहीद जैसे लोगों का खून ज़ाया कराने वाले उन स्टार्स के मुस्तहिक नहीं थे जो उनके कंधों पर लगे हुए थे। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ा डिटेल और बड़ा तफसीली खुलासा 71 की जंग का ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का डॉक्टर साहब ने दिया। हमें उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अपनी जाती राय कमेंट्स, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, देखते रहें ईस्ट पाकिस्तान फ्रेटरी साइड। थैंक यू।